सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यूपी के बरेली के भैड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव का है, जहां शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग से एक बीकॉम के छात्र की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद खुशियां पल भर में मातम में पसर गई। ये तस्वीर है 18 साल के भारत की। भारत बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। बीती रात पचपेड़ा गांव में एक बारात आई हुई थी और भारत दावत में गया हुआ था। वहां डीजे पर डांस हो रहा था। इस दौरान किसी ने अवैध असलहे से एक गोली चला दी। गोली भारत के सीने में लगी और भारत डीजे पर लहूलुहान होकर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिस घर में शादी की खुशियां थी, लोग जश्न में डूबे हुए थे और खूब डांस कर रहे थे, एक दूसरे को शादी की बधाई दे रहे थे, वहां पल भर में मातम पसर गया। भारत की मौत होते ही गोली चलाने वाला रफू चक्कर हो गया। परिजन भारत को अस्पताल ले गए और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, वहीं मृतक छात्र भारत के पिता की तहरीर पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि भैड़ी थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका शव परिजनों को दे दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। एसपी सिटी का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही और झूठी शान की खातिर लोग शादियों में जमकर फायरिंग करते हैं। कल दिनांक 22/4/2021 को लगभग रात्रि के 11:30 बजे ग्राम पचपेड़ा में दुंगा प्रसाद के यहाँ एक शादी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक व्यक्ति हरिंदर रूप पाली के द्वारा अवैध असलहे से हानि की गई। उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम भारत, उनकी उम्र लगभग 19 साल थी, की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बहड़ी पे जो मृतक है उनके पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना बहड़ी पे एक मुकदमा 302 का पंजीकृत कर लिया गया है। बड़ी को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया एवं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा चुकी है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करके अगली विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।